Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, आज बना रही हूँ चिकन चीज़ ग्रिल सैंडविच। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने शिमला मिर्च लिए है एक मीडियम साइज़ की, उसको मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की ली हुई है, और अभी मैं इसको गाजर जो लिया है ये भी मैंने एक स्मॉल साइज़ का गाजर लिया है, जिसको एकदम ही फाइनली चॉप कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने लिया है हरा प्याज, और यहाँ पर मैंने लिया है पत्ता गोभी, जिसको मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ली हुई हैं, यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है एक बाउल मोज़रेला चीज़ है, यहाँ पर मैंने बॉयल चिकन लिया है सिंपली, इसमें मैंने पानी लिया था और हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल के इसको बॉयल कर लिया है, थोड़ा सा कोथमीर और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर अभी मैंने मसालों में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया है मसालों में ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, नमक एज़ पर योर टेस्ट, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, और यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टी स्पून, यहाँ पर जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली है जिसको मैंने बहुत ही फाइनली क्रश कर लिया है, मायोनीज 2 टेबल स्पून जाएगा, और हमें बटर भी लगेगा 1 टेबल स्पून। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने मायोनीज लिया है 2 टेबल स्पून, उसके अंदर मैंने यहाँ पर बॉइल्ड चिकन ऐड किया है, सारे वेजेस ऐड कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने अभी ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और यहाँ पर यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है, सॉल्ट ऐड किया है, गरम मसाला और ग्रीन चिली, जिंजर, और मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली भी मैंने लिया है, जिंजर एंड गार्लिक भी लिया है, सारे बेसिकली जो सारे मसाले हैं वो सब कुछ इसमें मिक्स करना है, हमें इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और चाहो तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, फॉर 1 वीक के लिए आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हो, जब भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। तो अभी देखिए, मैं इसको बटर को ब्रेड पर स्प्रेड कर रही हूँ, वैसे ये ऑप्शनल है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं जब इसको ग्रिल करूँगी तो उसमें भी मैं काफ़ी बटर यूज़ करने वाली हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टफिंग है इसको अच्छे से इसमें फैला देंगे, ये देखिए मैंने इसको फैला दिया है, और इसके बाद में मैंने नीचे वाले ब्रेड पर मैंने बटर लगाया था, लेकिन ये वाले ब्रेड पर मैंने ऊपर वाले ब्रेड पर बटर नहीं लगाया है। देखिए, ग्रिल को अभी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे विद बटर, और ये इसकी स्टफिंग इतनी फ्लेवरफुल होती है कि इसमें हमें चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आपको पुदीना, और क्योंकि मैंने वैसे भी पुदीना इसमें ऐड किया हुआ है, पुदीना और ग्रीन चिली, और मैंने हरा धनिया, अब देखिए इसे बंद कर देंगे, और इसे जब तक इसकी, ये देखिए टोटली कुक हो चुका है ये, वो बेसिकली हमें जब उसमें 2 बत्ती जलते रहती है, जब एक बंद हो जाए तो हमें समझ जाना है कि मतलब कि ये कुक हो चुका है। तो ये देखिए, दोनों साइड से ग्रिल पे अच्छे से मैंने इसको कुक कर लिया है, ऑलमोस्ट अराउंड इसको 4 to 5 मिनट लगा है, 4 to 5 मिनट्स में बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गया है। अब देखिए, मैं बीच में से कट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।